हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में। आज का वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो जो है स्टूडेंट फीस पेड पे है। जैसे कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे दे दिया जाए कि कितने बच्चे फ़ीस पे कर चुके हैं और कितने बच्चे बाकी हैं, तो ये वीडियो उस काम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट दिखा रहा है और कितने पे कर चुके हैं ये भी दिखा रहा है, और कितने सबमिटेड हैं यानी कि सॉरी कितने पेंडिंग बचे हुए हैं ये भी दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पेंडिंग्स हैं, स्टूडेंट्स बचे हैं जो पेंडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रेड कलर में है, और जो सबमिटेड है वो ब्लैक कलर में। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड ही देख पाओगे। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कितने मंथ का जो है सबमिट कर चुके हैं और कितने मंथ का बचा हुआ है, ये सारी चीज़ों का हमने बहुत इजी तरीके से डिस्कस किया है। और यहाँ पे अगर मैं अब बात करें यहाँ टोटल स्टूडेंट की, अगर मैं कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे घटाऊँ या बढ़ाऊँ तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंजिंग होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी बढ़ाऊँ, जैसे स्टूडेंट को और फीस पे कर दिया जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे जो है सबमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो है हमारा यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ से डिलीट करूँगी तो ये जो है हमारा पेंडिंग में कन्वर्ट हो जाए, ये जो पेंडिंग में कन्वर्ट हमारा हो जाएगा। तो आइए वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो इसको फास्ट कर दिया कि वीडियो ताकि लंबा ना हो। तो यहाँ पे मैंने डेटा को टाइप कर लिया। डेटा को जैसे सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिया, आईडी नंबर। आईडी नंबर क्या होता है कि कहीं कहीं पे मतलब पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर की को मिला के स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट और नंबर की का लिया है। हालांकि हमें डेटा वही काम ज़रूरत पड़ती इसलिए मैंने उसी को कॉपी कर लिया है। फादर्स नेम, क्लासेस में मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ के नाम लिए। आप अपने हिसाब से क्लासेस यूज़ कर सकते हो जिस सेक्टर में आप जहाँ वर्क करो। फीस मैंने 700 रुपया मंथली लिया है। अब हमने जो मंथली सर्किल बनाया है वो अप्रैल से लेके मार्च तक का बनाया हुआ है, और मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिक लग के आ रहा है, ट्रू का टिक लग के आ रहा है कि मतलब ये इतना इतना पेंडिंग है, सॉरी सबमिटेड है, और जो नहीं लगा हुआ है वहाँ पर पेंडिंग लिख के आ रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उतने रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने हमें डेटा चाहिए उतने रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में जाएंगे और बिंडिंग टू का ऑप्शन यूज कर लेंगे। जैसे ही बिंडिंग टू का ऑप्शन यूज करेंगे, हम कैपिटल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये टिक लग के आने लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है टिक लग के आने लगा है। अब ऐसे ही डेटा मुझे पूरे में चाहिए तो हमें बार बार करना पड़ेगा, तो सिंपली हम सिलेक्ट करके इसमें पूरा ऐसे डबल क्लिक कर दे रहे हैं, ड्रैग कर दे रहे हैं, ये पूरे रेंज में आ जाएगा। आप चाहो ड्रैग कर दो या फिर डबल क्लिक कर दो, ये पूरे में आ जाएगा। अब हम जहाँ हमें ज़रूरत है हम डिलीट कर ले रहे हैं, और जहाँ नहीं ज़रूरत है छोड़ दे रहे हैं। अपने हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा मैंने डिलीट कर दिया है और कुछ को छोड़ दिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है टोटल फीस स्टूडेंट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा है पेंडिंग और सबमिटेड लिख के आ रहा है, और वो भी कलर में। जो पेंडिंग है वो रेड कलर में आ रहा है, जो सबमिटेड है वो हमारा ब्लैक कलर में आ रहा है। और यहाँ पे जो सबमिटेड मंथ है यानी कि कितना मंथ का पे चुका कर चुका है, 12 मंथ में जहाँ सबमिटेड है वहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मंथ दे रहा है, और जहाँ पे पेंडिंग में है उतने मंथ उसके सामने दिखा रहा है कितने मंथ का पे है, और यहाँ पेंडिंग मंथ में दिखा रहा है कि कितना बचा हुआ है। तो आइए यहाँ पर हम चेक करेंगे टोटल फीस स्टूडेंट पर, यानी कि कितना पेंडिंग बचा, मतलब कौन कौन पेंडिंग लोग बचे हुए हैं और कौन कौन पे कर चुके हैं। हालांकि सबसे बेटर ऑप्शंस भी यही रहेगा कि हम पहले ये चेक कर लें कि कितने पेंडिंग्स हैं और कितने पे कर चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ इक्वल लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे और यहाँ हम काउंटा ब्लैंक का यूज करने वाले हैं। हालांकि ये पहले भी बताया गया कि काउंटा ब्लैंक का यूज किसी ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं इसका यूज। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे काउंटा ब्लैंक्स। जैसे ही टाइप करेंगे ये दे देगा, डबल क्लिक कर लेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमारी रेंज है, ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। डबल इनवर्टेड कॉमा में हम चाहते हैं पहले पेंडिंग लिख के आए, उसके बाद में डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और डबल इनवर्टेड कॉमा में यहाँ हम लिख देंगे सबमिट। उसके बाद में डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे आप देख सकते हैं ये पूरे मंथ का पे कर चुका है, इसलिए यहाँ पे सबमिट लिख के आ रहा है। अब हम चाहते हैं सबका निकल जाए, तो हम डबल क्लिक कर देंगे यहाँ प्लस पॉइंट पे, सबका निकल जाएगा। चाहे हम ड्रैग कर देंगे तो भी निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे पेंडिंग है वहाँ वहाँ पे पेंडिंग लिख के आ रहा है और जहाँ जहाँ पे सबमिटेड है वहाँ पे सबमिटेड। हालांकि एक जैसा है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर रहा है, बट हम अलग कर देंगे इसे। तो अगर हमें इसे अलग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ये नीचे का जो है डाउन एरो की, ये पूरा हमारा आ जाता है। सॉरी ये गलत तरीके से सेट हो गया, ये जो हम शिफ्ट बटन को होल्ड करते हुए गलती से कंट्रोल बटन प्रेस हो गया था, ये शिफ्ट बटन के साथ ये हम डाउन एरो प्रेस करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम जो है फिल्टर में चले आएंगे। फिल्टर में आपको यहाँ फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे हम ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल, हम चाहते हैं पेंडिंग पे जो है येलो कलर आए या फिर कोई और कलर, हम येलो कलर कर दे रहे हैं पेंडिंग पे जो है येलो कलर आए, तो यहाँ पे हम पेंडिंग पे कर दे रहे हैं येलो। आप चाहो येलो करो, आप चाहो रेड करो, हम यहाँ पे जो है रेड कर दे रहे हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम फिल्टर्स हटा देंगे और ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा पेंडिंग है वो जो हमारा रेड जोन में आ रहा है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जो है फिल्टर में आएंगे। फिल्टर में आने के बाद ये कुछ ऐसा ऑप्शंस बन जाएगा, हम एक बार और जूम कर दे रहे हैं ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो दे रहा है पॉइंट, इस पर हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल को हटा के जो हमें चाहिए, आपको सबमिटेड को कलर करना है तो आप उसे चूज कर लीजिए, पेंडिंग को क्लियर करना है तो पेंडिंग, ओके करने के बाद यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे। जो भी कलर्स हमें आपको सेल कलर करना है, फॉन्ट कलर करना है, जो भी करना है वो यूज कर लेंगे और कर देंगे ओके। ये ऐसे कुछ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिल्टर हटा देंगे तो ये आप अच्छे तरीके से पूरे से देख सकेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम चेक करेंगे सबमिटेड मंथ, कितना मंथ का सबमिट हो चुका है और कितना मंथ का अभी बाकी है। तो यहाँ पे हम सबमिटेड मंथ करने वाला चेक करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला इक्वल काउंटा का और लगाएंगे ब्रेकेट्स और जितनी भी हमारी वैल्यू रहेगी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद ब्रेकेट्स क्लोज कर देंगे एंटर। ये हमारा देख सकते हैं ये 12 मंथ का हमारा निकल के आ चुका है, क्योंकि इसके आगे सबमिट लिखा हुआ आप देख सकते हैं और ये 12 मंथ का पे कर चुका है। इसी वजह से हमें सबका निकालना है तो हम चाहे इस पर डबल क्लिक कर दें या फिर स्क्रॉल कर दें, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि पेंडिंग का भी निकल जाए, जिसका जिसका पेंडिंग में बचा हुआ है वो कितने कितने मंथ का पेंडिंग में बचा हुआ है। एक बार हम इसको और बता देते हैं, इक्वल लगाएंगे और काउंटा लिखेंगे और रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट्स लगा के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारा निकल के आ जाएगा। कुछ
अच्छे इस तरीके से हम यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ब्रेकेट्स क्लोज करके एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये आ चुका है। सेम हमें पेंडिंग का निकालना है तो इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटा ब्लैंक। यहाँ पे दे दिया है, इसको हम चूज कर लेंगे और जो है हमारी जो रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रेकेट्स क्लोज करेंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये 0 मंथ का है, आप देख सकते हैं। हम चाहते हैं सबका सबमिटेड वाला भी निकल जाए और सबका पेंडिंग वाला भी निकल जाए, तो इस कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे, प्लस पॉइंट पे सबका आ जाएगा। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो 12 मंथ का पे कर चुका है तो सबमिट लिख के आ रहा है इसके सामने, और 12 मंथ पे भी आ रहा है और पेंडिंग में 0 दिखा रहा है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, ये हमारा तो ऑलरेडी निकल के आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट भी लिख के आ रहा है और सबमिटेड फीस कितने बच्चे जमा कर चुके हैं, टोटली कितने जमा कर चुके हैं और कितने पेंडिंग में बचे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से काउंट करने वाले हैं हम कि कितने बच्चे जो हमारा फीस पे कर चुके हैं और कितने बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि कितने बच्चे हमारे पास हैं। तो सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो है हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पे जो है हम टाइप कर देंगे टोटल सबमिटेड स्टूडेंट और टोटल पेंडिंग स्टूडेंट। इतना करने के बाद मैंने अपने हिसाब से कलर दे दिया है। कलर देने के लिए मैंने पहले कई बार बताया है कि आप सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर दे सकते हैं। अब हमें टोटल स्टूडेंट चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे काउंट, उसके बाद में ब्रैकेट्स लगाएंगे और इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट बटन और डाउन की प्रेस करके, जितनी भी हमारी वैल्यू रहेगी। उसके बाद में ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि टोटल 21 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। और यहाँ हमें चेक करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट हमारे पास फीस सबमिट कर चुके हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे, यहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद में हमें रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो हम यहाँ से जो है इस वाली रेंज को शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे सबमिटेड, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट्स क्लोज करके कर देंगे एंटर। आप देख सकते हैं कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारा फीस जमा कर चुके हैं। उसके बाद हम पेंडिंग में यूज करने वाले हैं सेम फार्मूला, इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में हम पेंडिंग लिख देंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, इसी वजह से ऐसा दे रहा है, क्योंकि जब हमारी रेंज गलत होती है तभी ऐसा होता है, क्योंकि पेंडिंग स्टूडेंट्स तो हमारे पास काफ़ी बचे हुए हैं। एक मिनट, से फार्मूला अप्लाई, एक बार हम फिर से फार्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्पेलिंग गलत हो जाती है तो भी नहीं देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई है, तो यहाँ पर मैं अलग टाइप कर रही थी और यहाँ पर अलग, इसी वजह से वो दे नहीं रहा था। डबल इनवर्टेड कॉमा में हमें सेम स्पेलिंग लिखना है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पेंडिंग में 14 स्टूडेंट दिखा रहा है। हम सामने यहाँ पे एक बार पे करके देख लेते हैं, ये बढ़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 था, अब 8 हो चुका और यहाँ पे घट के
13 हो चुका है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे हम फॉर्मेट दे दे रहे हैं इसको कि ये किस फॉर्मेट के लिए हमने इसे बनाया है। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये फीस पे है फार्मूला। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।